एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं आज मार्केट किस तरह से है, साथ ही देखेंगे फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 16,400 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,150 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी को अराउंड 35,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 36,350 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है भारत डायनामिक्स, जहां पर बाउंस एक्सपेक्टेड है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 722 पर, स्टॉप लॉस 702, पहला टारगेट 743 और दूसरा टारगेट रख सकते हैं 760 पर। इसके बाद है अडानी ग्रीन, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2846 पर, स्टॉप लॉस 2775, पहला टारगेट 2918 और दूसरा टारगेट 3000 पर रख सकते हैं। फिर है सीमेंस लिमिटेड, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2302 पर, स्टॉप लॉस 2240, पहला टारगेट 2364 और दूसरा टारगेट 2420। फिर है इन्फोसिस लिमिटेड, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1585 पर, स्टॉप लॉस 1546, पहला टारगेट 1625 और दूसरा टारगेट 1663 पर रख सकते हैं। फिर है जीएमडीसी लिमिटेड, जहां पर पॉजिटिव चार्ट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 201 पर, स्टॉप लॉस 195, पहला टारगेट 207 और दूसरा टारगेट 212 पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं उनका परफॉर्मेंस। जीएमडीसी लिमिटेड वेंट अप 7.4% टच बोथ टारगेट्स, रेन वेंट अप 5.1% टच बोथ टारगेट्स, ओएनजीसी वेंट अप 4% टच फर्स्ट टारगेट, स्टार हेल्थ वेंट अप 2.8%, एसएफएल वेंट अप 2.5% टच फर्स्ट टारगेट। अब बात करते हैं स्टॉक न्यूज की, जिसमें आज हम बात करेंगे टीवीएस, ब्लू स्टार और मेरिको की। टीवीएस मोटर कंपनी की बात करें तो इट रिपोर्टेड अ 5.1% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन क्वार्टर फोर नेट प्रॉफिट एट रुपीज 274.5 करोड़। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन क्वार्टर फोर ग्रू बाय 4% एंड ऑपरेटिंग एबिटा इंक्रीज टू 10.1%। ब्लू स्टार की बात करें तो रेवेन्यू 39.5% ऊपर रहा एट रुपीज 2,247.58 करोड़ वर्सेज रुपीज 1,611.56 करोड़ एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। नेट प्रॉफिट वॉज अप 5.40% एट रुपीज 76.27 करोड़ वर्सेज रुपीज 66.09 करोड़। एबिटा 33.7% ऊपर रहा, वहीं एबिटा मार्जिन वॉज एट 6.36% वर्सेज 6.63%। मैरिको की बात करें तो इट रिपोर्टेड अ राइज ऑफ 13.2% ईयर ऑन ईयर इन इट्स क्वार्टर फोर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू रुपीज 257 करोड़। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन क्वार्टर फोर जंप्ड 7% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 2,161 करोड़। इसके अलावा एबिटा इंक्रीज हुआ फ्रॉम रुपीज 319 करोड़ टू रुपीज 346 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फाइव पैसा के साथ बने रहें और अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।